और शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान ने साल के पहले ही दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा में आर्मी की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। साल के पहले ही दिन पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से साल के पहले दिन ही राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से पहले तो हल्के हथियारों और बाद में मोर्टारों से फायर किया गया, उसके बाद बड़े हथियार भी इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में सूबेदार रविंदर शहीद हो गए। पाकिस्तान की हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी रही, उसके बाद पाक की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। पाकिस्तान ने कल भी नौशेरा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। और एलएसी पर चीन की नापाक हरकत जारी है। ड्रैगन के नापाक मंसूबे पर भारत ने भी सामरिक नीति में और बढ़ोतरी की है। बॉर्डर पर मुस्तैद हिंद के जवान हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। पिछले साल गलवान में चीन ने जो किया, उस मकारी को पूरी दुनिया ने देखा। अब नए साल में भी ड्रैगन नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा। भारत ने भी डिफेंस लाइन को मजबूत करने के लिए पेंगोंग झील में गश्ती को तेजी करने का आदेश दिया है। इसके लिए मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 12 फास्ट पेट्रोल बोट का करार किया है। पहाड़ों पर भी निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। भारत और चीन के बीच 8 महीनों से तकरार है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन धोखेबाज बीजिंग का कोई इरादा मामला सुलझाने का नहीं है। हिंद महासागर में चीनी साजिश के खुलासे के बाद भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। ड्रैगन को जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। हिंद महासागर में चीन के अंडरवाटर व्हीकल होने का खुलासा हुआ था। अब भारत ने चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। भारत ने युद्ध पोतों पर ड्रोन की तैनाती करने का फैसला किया है। भारतीय नौसेना तत्काल रूप से 1300 करोड़ रुपए के 10 नेवल एरियल सिस्टम खरीदेगी। नौसेना ने यह फैसला हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के स्तर को और बेहतर करने के लिए किया है। नौसेना के प्रस्ताव को सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। ये प्रस्ताव भारतीय नौसेना की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड में लाया गया। नौसेना इन ड्रोन का अधिग्रहण एक खुली नीलामी के जरिए करेगी, जिसे तुरंत ही युद्ध पोतों पर तैनात कर दिया जाएगा। और एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, चीन ने नाटो को धमकी दी है। साउथ चाइना चीन से दूर रहने की धमकी दी है। ब्रिटिश वॉरशिप के साथ साउथ चाइना सी की तरफ रवानगी पर यह धमकी दी गई है। हम अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे, ये चीन ने कहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की चौकसी से जम्मू में एक और आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। पाक परस्त आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे हमेशा ही नाकाम कर दिया। अब लश्कर ए तैयबा की नजर जम्मू पर है। जम्मू के रिहासी जिले में सुरक्षा बलों ने एक शख्स को पिस्तौल और गोले बारूद के साथ गिरफ्तार करके एक और आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर ने रियासी इलाके में एक 20 साल के मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने पिछले 2 हफ्तों में लश्कर ए तैयबा के कुल 5 आतंकी मॉड्यूल और ऑफ शूट द रेजिडेंस फोर्स का पता लगाया है और जम्मू में आतंकी साजिश को नाकाम किया। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।